योनाव जनपद के पुरवा तहसील के अंतर्गत आने वाला मौरावा कस्बा है। यहाँ की सड़कें चिल्ला चिल्ला कर एक बात कह रही हैं कि मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ और मेरी कोई सुनने वाला नहीं। गाड़ूखेड़ा से लेकर मौरावा तक की सड़क देख लीजिए तो आप एक बात निश्चित रूप से कहेंगे कि इस तरह की बेबस और लाचार सड़क मैंने कहीं नहीं देखी। रोती पिलकती चिल्लाती सड़कें और उस सड़कों पर चलता यात्रियों का ऐसा हुजूम जिसमें यात्री अपने आप को बैठने का स्थान ढूंढ रहा है। मौरावा कस्बे में बस रुकती तो है लेकिन बस इतनी भरी हुई होती है कि यात्री एक टक लगाए देखता है कि आखिर मुझे स्थान मिलेगा कैसे। एक गृह युद्ध की तरह यहाँ पर युद्ध होता है सड़क के लिए, एक सीट के लिए और एक यात्री अपने स्थान को पाने के लिए। यात्री अपनी यात्रा को तय करे तो कैसे करें जब सड़कें ठीक नहीं हैं और यहाँ पर आवाजाही के लिए जब सरकार ने बसों का उपलब्धीकरण कराया है, वो उपलब्ध होती भी हैं तो उस प्रकार से जैसे कि होती ही नहीं। मौरावा से लखनऊ की ओर जाने के लिए शाम के समय यात्रियों की काफ़ी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं और उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मौरावा से शाम के समय रोडवेज बस सेवाएं कम हैं और जो हैं भी उनका कोई समय निश्चित नहीं। यही सब कारण है जिससे मौरावा बस स्टेशन के बाहर यात्रियों का मजमा लगा रहता है। गौरतलब है कि नवनिर्माचित और नवनिर्मित मौरावा के बस स्टेशन में यात्रियों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं और स्टेशन के बाहर खड़े सड़क के गड्ढे और खड़े यात्रियों की जो दुर्दशा है वह बखान करना मुश्किल है। हर प्रकार से समस्या, बैठने की समस्या, खड़े होने की समस्या, यात्रियों को यात्रा करने की समस्या, अगर इन सब समस्याओं से निजात मिल भी जाए तो समस्या है सड़क की। आखिर बस जिस सड़क पर चलती है वो चले तो कैसे चले। दुर्व्यवस्था और दुर्लभ व्यवस्था के बीच में यात्री अपने जीवन की यात्रा को चला रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर सरकार कब जागेगी और कब जागेगी प्रशासन। शशिकांत शुक्ला की यह रिपोर्ट एंटी करप्शन न्यूज़ एजेंसी।